जाने के, तो आप जानते ही हैं कि अगर हम एक्सपोज सन में ज्यादा होते हैं या डेली बेसिस से बाहर निकलते हैं, सनस्क्रीन आप डेफिनेटली लगाते होंगे. पर हमेशा याद रखिए इस वीडियो से या फिर मेरे चैनल से यही सीखिए कि सनस्क्रीन हमें डेली अप्लाई करना चाहिए अगर आप घर पे हैं. ट्रस्ट मी, सनस्क्रीन इज नॉट लाइक कि घर पे बैठे हैं. जैसे ब्लू लाइट रेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स रेज होती है लाइट से, टेलीविजन से, लैपटॉप से, जो हमारी फेस को मिलती है वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है. तो घर पे भी अगर डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगाओगे तो गाइज आपको इन द फ्यूचर स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा. आपका जो पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा. बहुत जल्दी होगा, टाइम लगता है. मैं सनस्क्रीन बहुत वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पूजा. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू न्यूली लॉन्च डॉट इन की विटामिन सी प्लस विटामिन ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. डॉट इन की ने रिसेंटली जस्ट 1 से 2 दिन पहले लॉन्च कर दी है उन्होंने अपनी विटामिन सी प्लस विटामिन ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. एंड इट हैज एसपीएफ 50 पीए ट्रिपल ट्रिपल प्लस एंड इट यूवीए प्लस यूवीबी ब्लू लाइट प्रोटेक्शन. मतलब ये सनस्क्रीन हार्मफुल यूवीए यूवीबी रेज से तो प्रोटेक्ट करेगा ही, प्लस जितने भी ब्लू लाइट रेज होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा. तो इस सनस्क्रीन का मैं फुल डिटेल रिव्यू करूंगी, कैसा सनस्क्रीन है, इसके अंदर विटामिन सी है, तो होप बहुत अच्छा होने वाला है सनस्क्रीन. तो मैंने यूज कर लिया 1 से 2 बार, तो वो भी मैं आपके संग फीडबैक शेयर करूंगी. कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारी डिटेल आपको इस सनस्क्रीन के बारे में मिलेगी. तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड इफ यू आर ऑलरेडी माय सब्सक्राइबर तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें. वीडियो को शुरू करते हैं. पैकिंग की बात करते हैं. बाहर से आपको कार्डबोर्ड पैकिंग मिलती है कुछ इस तरह की ब्राइट येलो कलर की, और क्वांटिटी इसकी मिलती है आपको 50 ग्राम, और इसका एमआरपी मिलता है आपको 495 रुपीज. डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो अगर आपको परचेज करना हो तो वहां से कर सकते हो. ये सिर्फ और सिर्फ अभी डॉट इन की वेबसाइट पे अवेलेबल है. एंड दिस वीडियो इज अनस्पॉन्सर्ड वीडियो. एंड इट हैज ट्रिपल विटामिन सी, नो व्हाइट कास्ट एंड एक्टिव विटामिन डी रेसिपिट्रस. मतलब इसके अंदर ट्रिपल विटामिन सी है, तो विटामिन की अच्छे अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं, और हमेशा की तरह इसमें कोई व्हाइट कास्ट नहीं है, और ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा. एंड फ्रेग्रेंस की बात करें तो इट इज अ टोटली फ्रेग्रेंस फ्री. ये पूरी तरह से फ्रेग्रेंस फ्री है. जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो इंस्टेंट मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है. आप मैं अगर पर्सनली अगर आपको पहले ही बता दूं फीडबैक, तो एक शॉर्ट वे में यही बोलूंगी कि जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई हाइड्रेटिंग ग्लोई मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो. आपको सनस्क्रीन वाली फीलिंग इसके साथ तो बिल्कुल नहीं आने वाली है. एंड इफ यू हैव वेरी डल स्किन और आपको ऐसे सनस्क्रीन चाहिए जो ब्राइट अप भी करे आपकी स्किन को, बिल्कुल ग्रीजी नहीं बनाए और इंस्टेंट आपकी स्किन में ग्लो रखे, तो ये सनस्क्रीन आप सभी के लिए बेस्ट है. अब ये पूरी तरह से सर्टिफाइड है, मतलब कहने का मतलब डर्मकोलर टेस्टेड है, तो किसी भी तरह का आपको इस पे ब्रेकआउट नहीं होगा. मैंने तो यूज किया, मुझे किसी तरह का कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ. कुछ सनस्क्रीन होते हैं ब्रेकआउट हो जाते हैं, मेरे को तो नहीं हुआ है जो मैंने अपने पर्सनली टेस्ट किया है. भी किया है कि इट हैज एसपीएफ 50 फॉर 360 डिग्री सन प्रोटेक्शन. मतलब 360 डिग्री आपको सन प्रोटेक्शन देगा, विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन. एंड दिस सनस्क्रीन इज स्वेट प्रूफ एंड वाटर रेसिस्टेंट फॉर अप टू 80 मिनट्स. ये सनस्क्रीन अप टू 80 मिनट्स तक आपको बिल्कुल स्वेट प्रूफ रखेगी एंड वाटर रेसिस्टेंस है. लाइक कुछ सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद हल्का सा स्वेटिंग होता है, ऐसा क्लेम किया है कि इसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई स्वेटिंग नहीं होगा. एंड इट वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन फॉर अप टू 80 मिनट. एंड दिस सनस्क्रीन प्रूवन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पीए ट्रिपल प्लस रेटिंग. इसका मतलब ये होता है ट्रिपल रेटिंग जो मिलती है सनस्क्रीन को, वो बहुत अच्छे लेवल तक आपके जो हार्मफुल यूवी बी रेज होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, वो स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देती है विद इन अ सेकंड मिनट में. उनसे ये काफी हद तक आपको प्रोटेक्ट करे. एंड इट्स टेक्स्ट, जैसे मैं स्मेल में बात की, स्मेल तो इसमें किसी तरह की नहीं है, टोटली फ्रेग्रेंस फ्री है. टेक्स्चर इसका वाटर काइंड ऑफ है, बिकॉज इतनी वाटर काइंड ऑफ सनस्क्रीन है. अंदर से व्हाइट कलर की है, बट थोड़ी सी वाटर टेक्स्चर जैसा है, वाटर लाइट टेक्स्चर है. जब आप इसे उल्टा करोगे बॉटल को तो मे बी ये गिर सकता है विदाउट एनी प्रेस. मतलब बिना प्रेस करे इसका टेक्स्चर गिर जाएगा, विच इज वेरी लाइट वेट. मुझे अच्छा लगा, ज्यादा थिक नहीं है, वॉटर लाइट टेक्स्चर है, विच इज वेरी लाइट वेट, बिल्कुल नॉन ग्रीजी है, फेस को इंस्टेंट ग्लो बना देता है. फुली एब्जॉर्ब, मतलब पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, किसी तरह का कोई व्हाइट कास्ट नहीं देता है. एंड दिस सनस्क्रीन इन्फ्यूज्ड विद विटामिन सी सिलिकॉन ब्लड ऑरेंज टू फाइट डलनेस एंड पिगमेंटेशन वाइल बूस्टिंग कोलेजन. मतलब इसके अंदर जो ट्रिपल विटामिन सी एंड सिलिकॉन ब्लड ऑरेंज है वो फाइट करेगा आपकी डलनेस स्किन को, मतलब आपकी डल स्किन है उसे ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा.
एंड आपके पिगमेंटेशन से भी फाइट करेगा वाइल्ड बूस्टिंग कॉलेजन, मतलब जो कॉलेजन प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन के अंदर, अगर वो लो रहता है तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली डल बन जाती है, अगर बूस्ट रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है। इट पावर्ड बाय यूवीए फिल्टर्स टू प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट डैमेजिंग यूवीए यूवीबी एंड ब्लू लाइट रेज, ये हमारी स्किन को हार्मफुल यूवीए यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करेगा एंड ब्लू लाइट रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। मैंने कुछ टाइम पहले कुछ सनस्क्रीन के रिव्यू किए थे तो मुझे याद नहीं ब्रांड का, तो वो सनस्क्रीन ऐसा था कि ब्लू लाइट रेज क्या होती है मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया था। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ब्लू लाइट रेज होती है जो हमें मिलती है इलेक्ट्रॉनिक से, मतलब लाइक जो ये लाइट आ रही है जो मैं इस लाइट के थ्रू अपना शूट कर रही हूं, वो लाइट लैपटॉप से मोबाइल से टेलीफोन से सॉरी टेलीविजन से ये जो रेज आती है इनको कहते हैं ब्लू लाइट रेज, ये सनस्क्रीन उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करके। आपको ये सनस्क्रीन डेली लगाना पड़ेगा तभी आप एक अच्छा सा ग्लो देख सकते हैं, एक दिन या दो दिन लगाने के बाद कुछ नहीं पता चलता है। आप इसे डेली अप्लाई कीजिए, जिस दिन रिसीव हुआ मैंने उस दिन अप्लाई किया और उसके सेकंड डे अप्लाई किया, मुझे किसी तरह का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक सनस्क्रीन में मेरे को चाहिए और हर किसी को चाहिए, नो व्हाइट कास्ट, लाइट टेक्सचर, ग्लोई स्किन और एक अच्छा खासा हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन, और इसके अंदर एसपीएफ 50 है विच इज वेरी गुड। तो आपको इसे मॉर्निंग में अप्लाई करना है, सो यू हैव टू टेक सफिशियंट अमाउंट जितना आपको चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया वाटर लाइट टेक्सचर है तो रनी काइंड ऑफ है, तो बहुत सावधानी से केयरफुली आपको अपने हैंड में लेना है। जब आप अपनी स्किन में इसे अच्छे से अप्लाई करना है, फास्ट एब्जॉर्ब इसका फॉर्मूला है जो बिल्कुल भी आपकी स्किन को ग्रीजी नहीं बनाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि गाइज अगर आपने विटामिन सी मॉइस्चराइजर ड्यूरिंग डे टाइम पे अप्लाई कर रहे हो तो सनस्क्रीन इज मस्ट। किसी ने मुझे पूछा था कि सनस्क्रीन जरूरी है, यस इसलिए जरूरी है क्योंकि विटामिन सी ऑक्सीडाइज होता है गाइस ड्यूरिंग डे टाइम पे, अगर आप नहीं लगाओगे सनस्क्रीन उसको अप्लाई करने के बाद तो वो ऑक्सीडाइज होगा, उस वजह से जो उसके बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के वो आपकी स्किन को नहीं मिलेंगे, और आपको लगेगा मैं डेली इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ और मुझे तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, आई थिंक ये प्रोडक्ट ही बेकार है। तो सही तरीके से यूज करना भी हमको आना चाहिए, तो इस सनस्क्रीन को आप डेली यूज कर सकते हो अपना स्किन केयर रूटीन करने के बाद, लास्ट में सनस्क्रीन को डेफिनेटली अप्लाई करें। और इसके साथ ही ब्रांड ऐसा क्लेम करते हैं कि 100% देखा गया है कि ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं देता है, आई एम श्योर नहीं देता है जितना मैंने फील किया। एंड सेकेंड उन्होंने क्लेम किया है कि 97% फील किया है कि दिस इज अ लाइट वेट फॉर्मूला, सीरियसली लाइट वेट फॉर्मूला है 97 उन्होंने बोला है, मैं 100% बोलूंगी लाइट वेट डेफिनेटली है, बिल्कुल भी आपको हैवीनेस नहीं देगा जो एक सनस्क्रीन नॉर्मली कुछ सनस्क्रीन आपके फेस को देती है, विच आई एम श्योर कि ये लाइट वेट टेक्सचर है जो आपको रियली में पसंद आएगा। एंड थर्ड उन्होंने क्लेम किया है कि 99% फास्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है, यस इट्स फाइन 99% इसका फास्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है जो बिल्कुल भी आपके फेस को ग्रीजी नहीं बनाता है, सो आप इसे डेली यूज कर सकते हो बिफोर स्टेपिंग आउट, 15-20 मिनट्स पहले आप इसे अप्लाई कीजिए। बाहर जाने के लिए तो आप जानते ही हैं कि अगर हम एक्सपोज सन में ज्यादा होते हैं या डेली बेसिस से बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन आप डेफिनेटली लगाते होंगे, पर हमेशा याद रखिए इस वीडियो से या फिर मेरे चैनल से यही सीखिए कि सनस्क्रीन हमें डेली अप्लाई करना चाहिए अगर आप घर पे हैं। ट्रस्ट मी सनस्क्रीन इज नॉट लाइक कि घर पे बैठे हैं, जैसे ब्लू लाइट रेज होती है जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स रेज होती है लाइट से टेलीविजन से लैपटॉप से जो हमारी फेस को मिलती है वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो घर पे भी अगर डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगाओगे तो गाइज आपको इन द फ्यूचर स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आपका जो पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होगा, बहुत जल्दी होगा टाइम लगता है। मैं सनस्क्रीन बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ और मैंने खुद पर्सनली देखा है कि सनस्क्रीन को सिर्फ बाहर लगाने के साथ ही घर पे लगाने से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं इन डेली बेसिस। आप सनस्क्रीन को डेली अपने स्किन के रूटीन में एड कर लीजिए फॉर द परमानेंट। यू कैन रीअप्लाई एवरी 2-3 आवर्स व्हेन यू एक्सपोज्ड, लाइक अगर आप बाहर हैं तो 2-3 घंटे बाद इसे रीअप्लाई भी कर सकते हैं। इट हैज नो कलर, फ्रेग्रेंस फ्री, नो एसेंशियल ऑयल, नो एल्कोहल, मिनरल ऑयल फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री एंड डर्मोकोलर टेस्टेड, इज टोटली नेचुरल है। तो आवर वैसे तो कैसे क्लेम किया है, दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सेंसिटिव है आराम से यूज कर सकते हो, पर हाइपर सेंसिटिव है तो प्लीज टेस्ट करें और या फिर ना ही यूज करें। मैं अपनी फीडबैक की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जा रही हूं अपना फीडबैक, मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, मुझे पसंद आया है सनस्क्रीन, मुझे डेफिनेटली आई थिंक ये डॉट इन की का सेकेंड सनस्क्रीन है, पहला उनका नियासिनामाइड था
वो मैं इन दोनों यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो खत्म होने को है, अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी लगाना। दोनों ही सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद आए, मैं आपको बोलूंगी डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो आप, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको श्योर पसंद आएगा। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चलिए इस वीडियो को ही पेन करती हूँ। गाइज अगर आपको परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो जब भी कोई ये क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ गाइज न्यू लॉन्च प्रोडक्ट पे, तो क्या होता है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे सब पे आता है, जैसे नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो जहां जहां मुझे अभी दिखेगा वहां मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको परचेस करना हो तो वहां से कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही जल्द न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की रिव्यू के साथ, ये होगी मेकअप वीडियो या फिर बहुत ही एक्साइटिंग टिप्स के साथ। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।